हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसीबी पहुंची तब तक भाग गया रेवतड़ा का पटवारी, मामला दर्ज। नामांतरण के लिए 13,000 लेकर 3,000 और मांगे। नामांतरण की एवेज में रिश्वत मांग रहे पटवारी को एसीबी पकड़ने पहुंची तब तक पटवारी मौके से फरार हो गया। मामला जालोर जिले के सायला उपगंड क्षेत्र में रेवतड़ा का है। जानकारी के मुताबिक परिवादी जूठाराम उम्र 65, पुत्र रत्नाराम भील निवासी वीराना तहसील सायला जिला जालोर ने परिवाद देकर बताया कि महेंद्र सोनी पटवारी पटवार मंडल रेवतड़ा तहसील सायला जिला जालोर ने नामांतरण के लिए रिश्वत की मांग की है। शिकायत के सत्यापन में पटवारी द्वारा नामांतरण खोलने के लिए 13,000 रुपए पूर्व में रिश्वत के लेना व वक्त सत्यापन 3,000 रुपए की रिश्वती राशि की मांग करना सत्यापित हुआ। ट्रैप की कार्रवाई के लिए एसीबी की टीम मौके पर पहुंची तो पटवारी को भनक लगते ही वह मौके से फरार हो गया, जिस पर ब्यूरो चौकी द्वारा रिपोर्ट बनाकर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर भेजी गई, जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय जयपुर द्वारा आरोपी महेंद्र सोनी उम्र 38, पुत्र मगराज सोनी निवासी बागोड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालोर, हाल पटवारी पटवार मंडल रेवतड़ा तहसील सायला जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए, जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय जयपुर द्वारा आरोपी महेंद्र सोनी उम्र 38, पुत्र मगराज सोनी निवासी बागोड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालोर, हाल पटवारी पटवार मंडल रेवतड़ा तहसील सायला जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए पद दुरुपयोग कर रिश्वत राशि की मांग करना पाए जाने पर अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 में अपराध संख्या 184/2021 में पंजीबद्ध किया गया, जिसका अग्रिम अनुसंधान राजेंद्र सिंह निरीक्षक पुलिस ब्यूरो चौकी जालोर द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही महेंद्र सोनी पटवारी का चालान पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए रेवतड़ा से खास रिपोर्ट।